हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की नदियाँ। तो राजस्थान की नदियों में हम पढ़ेंगे सबसे पहले चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी, उसके बारे में पढ़ने से पहले इसकी जो बेसिक बातें हैं हम वो क्लियर कर लेते हैं, और चंबल नदी के बारे में हम मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। चंबल नदी है जो वो बनास की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बनास की खाड़ी, ठीक है, जिसे आप समझ लेना कि ये बनास की खाड़ी की नदी है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चंबल नदी है उसके बारे में हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसका उद्गम, कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। फिर इसके उपनाम, कि चंबल नदी के कौन कौन से उपनाम है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है वो है बांध, कि चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। और जो फोर्थ बात आती है वो है कि इसकी सहायक नदियां, चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस एग्जाम्स है जो उनके देखोगे क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड, तो आपको यही क्वेश्चन है जो वो मिलेंगे। और इसमें भी मेनली क्या है कि जो सहायक नदी है उसमें क्या है कि ये नहीं पूछते कि सहायक नदी है जो वो कौन सी कहाँ से निकलती है, बस ये पूछ लेते हैं कि जैसे आपको चार नदियां दे देंगे और चार नदियों के जैसे दे देंगे सामने सहायक नदियां, या तो आपको मिलान करना होगा या फिर ये कह देंगे कि कौन सी सहायक नदी है जो सही नहीं है चंबल मुख्य नदी के साथ, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम मैप के अकॉर्डिंग समझेंगे, इसलिए यहाँ पर हम बना देते हैं राजस्थान का मैप। अगर आपको भी राजस्थान ज्योग्राफी की अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हो तो आप भी अपना जो भी मैटर होता है वो मैप के अकॉर्डिंग ही किया करो। इससे क्या होता है, थोड़ा इजी वे में हो जाता है, याद करने से बार बार पढ़ने से अच्छा होता है कि हम मैप के अकॉर्डिंग कर लें, देखकर ही फिर हम समझ आते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जो चित्तौड़गढ़ है उसके दो भाग है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर कोटा, थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ कोटा, क्योंकि हमें नदियों में मेन बस ये छह जिले ही चाहिए। तो यहाँ पर हम बना देते हैं इस तरीके से कोटा। कोटा के साथ इधर है बूंदी और यहाँ पर है सवाई माधोपुर, इसके साथ है करौली और करौली के इधर है धौलपुर। तो बस आपको इतने छह जिले हैं जो इसके बारे में ही पता होना चाहिए चंबल नदी के लिए, क्योंकि यही मेन है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंबल नदी का उद्गम। तो जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आते हैं कि चंबल नदी है जो उसका उद्गम। तो यहाँ पर चंबल नदी है जो, अगर हम राज्य की बात करें, स्टेट की बात करते हैं, तो चंबल नदी तीन स्टेट में होकर बहती है। वो कौन कौन से हैं, एक तो आता है मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा है यूपी। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में चंबल नदी कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है, तो ये छह डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से, पहला चित्तौड़गढ़, दूसरे नंबर पे कोटा, तीसरा बूंदी, चौथा सवाई माधोपुर, पांचवा करौली और छठा आ जाएगा धौलपुर। तो ये छह जिलों में से होकर बहती है। बस आपको ये चीज ध्यान देनी है कि चंबल तीन ही नदियां हैं राजस्थान की जो कि छह छह जिलों में से होकर बहती है। एक है चंबल, दूसरी है बनास और तीसरी है लूनी। तो इनके क्या है कि छह जिले हैं। अब हम पढ़ते हैं कि चंबल नदी का उद्गम, चंबल नदी है जो वो कहाँ से निकलती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश। तो चंबल नदी के, आपको पता है कि जो राजस्थान का ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा है जो वो लगती है, दक्षिण पूर्वी एरिया। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है। मध्य प्रदेश में भी जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। चंबल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, जनापाव की पहाड़ियों से। और ये महू क्षेत्र है जो वहां से निकलती है। यहां से निकलने के बाद जो चंबल नदी है वो सबसे पहले राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद चंबल नदी है जो वो कोटा और बूंदी की सीमा पर बहती है। कोटा बूंदी की सीमा पर बहने के बाद ये कोटा से होती हुई सवाई माधोपुर, उसके बाद करौली, इसके बाद धौलपुर और देन ये क्या है कि उत्तर प्रदेश में चली जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि चंबल नदी तीन राज्यों से बहती है, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया राजस्थान और तीसरा हो गया यूपी। यूपी में यमुना नदी बहती है, तो ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पर अपना जो जल है वो गिरा देती है। तो इस तरीके से जो चंबल नदी है वो छह जिलों में हमने बहा दी। इसके बाद हमने पढ़ना है इसके उपनाम, कि चंबल नदी है जो उसके कौन कौन से उपनाम हैं। चंबल नदी को चरमवती नदी भी कहते हैं, जो कि आपको नाम से पता चल जाएगा, च से चंबल, च से चरमवती। इसके बाद इसे कामधेनु नदी भी कहते हैं। चंबल नदी है जो वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ये इसकी क्या होगी विशेषता।
इसके अलावा चंबल नदी के बारे में इसको कहते हैं बारहमासी। चंबल नदी को बारहमासी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ष भर बहती है। इसे नित्यवाहिनी भी कहते हैं। नित्यवाहिनी का मीन्स भी वही होता है कि जो हमेशा बहती हो, तो इसलिए चंबल नदी को नित्यवाहिनी नदी भी कहते हैं। ये सभी चंबल नदी के क्या है? उपनाम है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो बनता है बांध से रिलेटेड, कि चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम बना देते हैं बांध। चंबल नदी है जो, उस पर कितने? टोटल 4 बांध हैं। कौन कौन से बांध है यही पूछा जाता है, कि कौन से बांध है, या फिर कौन सा बांध कहाँ पर है, या फिर जो बांध है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको बताना होता है। तो बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पहला जो बांध है वो है गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में है और ये चंबल नदी पर बना हुआ है। जो दूसरा बांध है वो चित्तौड़गढ़ में है, राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा जो बांध है वो कोटा बूंदी की सीमा पर है, जिसका नाम है ज्वार सागर बांध। और जो चौथा बांध है वो है कोटा में, जिसका नाम है कोटा बैराज। अब आपको इसे उत्तर से दक्षिण में कैसे याद रखना है, तो आपको कोटा से स्टार्ट करना है। तो पहला जो बांध हो गया उसका क्या नाम है राजस्थान में? कोटा बैराज। कोटा बैराज लास्ट में क्या खत्म होता है? बैराज। जैसे खत्म होता है तो जैसे ही हमारा अगला बांध है, जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध, अगर आप देखोगे तो यहां पर र से ये खत्म होता है और र से ही हमारा थर्ड बांध है, जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। और जो चौथा बांध है, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम है गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब हम पेपर कर रहे होते हैं तब हमें लगता है कि जो गांधी सागर है वो कहीं गुजरात में ना हो, क्योंकि जो गुजरात है उसकी राजधानी भी गांधीनगर है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन आता है इससे भी रिलेटेड, क्या है कि कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बांध से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको 4 बांध दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा बांध है जिसका उपयोग सिर्फ सिंचाई के लिए किया जाता है। तो सिंचाई के लिए कोटा बैराज सागर बांध है जो उसका यूज किया जाता है। अदर्स जो 3 बांध है इनका यूज विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, लेकिन कोटा बैराज से विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, सिर्फ सिंचाई का ही उत्पादन होता, सिंचाई के लिए ही इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है राणा प्रताप सागर बांध से। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में ये जो बांध है वो जल भराव की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है जो वो माना जाता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जो कि जल भराव की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट बांध है, मींस बड़ा बांध कह सकते हो। वैसे तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध है और जो सबसे लंबा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जल भराव अगर वर्ड आता है तो यहाँ पर क्या नाम आएगा? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं बांध से रिलेटेड। इसके बाद आती है इनके सहायक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन। सहायक नदियों के लिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ। तो सहायक नदियां हैं जो, बस यही पूछी जाती है, आपको मैच करनी होती है। तो सहायक नदियों के लिए आपको क्या याद करना है? B2, K2, M2 और P2। B2 से 2 नदियां हैं, मींस एक तो है बनास और एक है बामनी। इसके बाद जो K2 है इससे भी 2 नदियां हैं, एक है पुन्नू और एक है काली सिंध। आपको थोड़ा सा ये जो काली सिंध नदी है इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि जो काली, एक राजस्थान में है काली सील नदी और एक है काली सिंध नदी। तो जो काली सिंध नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद जो M2 से एक है मेच नदी और एक है मांगली नदी। इसके बाद P से एक तो है पार्वती नदी और एक जो इसकी सहायक नदी है वो है परवन नदी। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो ये बन सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, आपने सुना होगा जलप्रपात जिसे वाटरफॉल भी कहते हैं, सॉरी एक सेकेंड, जलप्रपात। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो, वो कहाँ पर है, किस नदी पर है, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो चित्तौड़गढ़ में है, कौन सी नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर ही है। और इसका क्या नाम है जलप्रपात का? तो चूलिया जलप्रपात। क्या नाम है? चूलिया जलप्रपात। यहाँ पर क्या होता है कि चित्तौड़गढ़ से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है बामनी नदी।
तो ये जो भामनी नदी है जब ये चित्तौड़गढ़ में मिलती है तो यहाँ पर क्या है कि एक जलप्रपात का निर्माण होता है, और इसका क्या नाम है, चूलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा जलप्रपात है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 18 मीटर है। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि राजस्थान में ये जो चंबल नदी है ये विश्व में भी बहुत प्रसिद्ध है, और ये किस बात के लिए प्रसिद्ध है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो आपने उत्खात भूमि के बारे में सुना होगा, तो उसी के लिए क्या है कि जो चंबल नदी है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपने बीहड़ वर्ड का सुना होगा, बीहड़ वर्ड, तो उसके लिए भी क्या है, चंबल नदी ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि चंबल उत्खात भूमि हो गया, बीहड़ हो गया, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये किससे रिलेट करते हैं, उत्खात भूमि, बीहड़, तो ये जितने भी वर्ड हैं ये चंबल नदी से ही रिलेट करते हैं। एक है बीहड़ की रानी, एक क्वेश्चन बनता है कि जो बीहड़ है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्या है, कभी कभी पूछे जाते हैं। अगर आ जाए कि बीहड़ सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सर्वाधिक बीहड़ है जो वो कहाँ पर है, तो इसका आंसर आएगा धौलपुर। धौलपुर में क्या है कि सबसे ज्यादा बीहड़ है। इसके बाद अगर आ जाए कि बीहड़ की राजधानी कौन सी है, तो धौलपुर के नीचे क्या है, करौली, तो बीहड़ की रानी, सॉरी राजधानी नहीं, बीहड़ की रानी क्या है, करौली। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे जो ज्यादा गहराई है उत्खात भूमि की या फिर चंबल नदी की वो कहाँ पर है, तो ये केशव राय पाटन एक जगह है जो कि बूंदी में है, केशव राय पाटन, यहाँ पर क्या है कि सबसे ज्यादा गहराई है, केशव राय पाटन। ठीक है, ये वाली जो जगह है यहाँ पर क्या है कि चंबल नदी सबसे ज्यादा गहराई है, चंबल नदी की। इसके अलावा अगर आप ध्यान देना चाहते हो या थोड़ा बहुत याद रखना चाहते हो, तो चंबल नदी की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, 699 किलोमीटर, 6966 किलोमीटर, यानी कि 966 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। लेकिन ये राजस्थान में सिर्फ 135 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है, इसके अलावा ये मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश है वहां पर ही ये बहती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेन यही क्वेश्चन बनते हैं कि चंबल नदी है जो उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हमने इसके उपनाम पढ़ लिए, देन हमने इससे रिलेटेड बांध के जो क्वेश्चन थे चार जो बनते हैं वो हमने पढ़ लिए, उसके बाद इसकी सहायक जो नदियां थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके अलावा चंबल नदी की विशेषता क्या है, तो एक उत्खात भूमि कह सकते हैं, एक इसको बीहड़ वाली भूमि है जो उसका निर्माण करती है, और अवनाली का अपरदन है जो वो भी सबसे ज्यादा किससे होता है, चंबल नदी से ही होता है, और इसकी जो सबसे ज्यादा गहराई है वो कहाँ पर है, केशव राय पाटन में है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। होपफुली आपको ये जो बातें हैं ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो बनास नदी से रिलेटेड होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।